हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय चिकित्सालय में हेल्थ मेला आयोजित, अधिकाधिक लोगों को विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ पहुंचाएं। राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में मंगलवार को निरोगी राजस्थान ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन एवं जिला कलेक्टर लोक बंधु ने विधिवत फीता काटकर हेल्थ मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हेल्थ कैंप के दौरान अधिकाधिक लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ कैंप में एक ही स्थान पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न जांच एवं उपचार किया जा रहा है, ऐसे में अधिकाधिक लोग हेल्थ कैंप का लाभ उठावे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि हेल्थ कैंप के दौरान बीमारियों के उपचार के साथ साथ चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान अधिकाधिक लोगों का कोविड टीकाकरण करने के साथ साथ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण किया जाए। इस दौरान उन्होंने सिलोकसिक मरीजों की बोर्ड द्वारा जांच करने तथा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु निर्देशित किया। हेल्थ मेले के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों की जांच कर इलाज किया जाएगा। इस दौरान सामान्य ओपीडी के 1122, सिलिकोसिस मरीजों की जांच के लिए 68, त्वचा रोग के लिए 170, नेत्र जांच के 120, मोनियाबिंद के 3, आरबीएसके के 27, दंत रोग के 66, ब्लड शुगर के 20, ब्लड प्रेशर के 52, हाइपरटेंशन के 3, बाल रोग के 302 तथा स्त्री रोग संबंधी 288 मरीजों की जांच एवं उपचार किया जाएगा। इस दौरान 37 प्रयोगशाला जांचें, 53 दिव्यांग प्रमाण पत्र, 2 जन आधार, 64 कोविड वैक्सीनेशन तथा 60 का नियमित टीकाकरण किया जाए। इस दौरान 48 लोगों द्वारा रक्तदान भी किया जाएगा। इस अवसर पर बाड़मेर ग्रामीण प्रधान जेठी देवी, उप प्रधान छोटू सिंह, उप सभापति सुल्तान सिंह, समाज सेवी गिरधर सिंह, उपखंड अधिकारी रोहित चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बिश्रोही, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मंसूरिया, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी प्रीत मोहिंदर सिंह, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महिपाल सिंह सोडा समेत जन प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, इन्होंने ये कहा, ये स्वास्थ्य मेला हर ब्लॉक स्तर पर लगाया जा रहा है, इसमें हर तरह की जांचें हो रही है सभी प्रकार की, और इसमें अन्य भी है, चाहे कोविड में वैक्सीन लगाना हो, किसी प्रकार की टेस्टिंग करानी हो, और इसके साथ साथ कोई भी बीमारी हो जिसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग अलग लगा रखे हैं, विकलांग है उनके साथ में बात है तो वो भी वहाँ अंदर सारी व्यवस्था है, और सरकार चाहती है चिरंजीव योजना से जो जुड़े हुए नहीं है उनको खोलने की बात है, आधार कार्ड जिसके बने हुए नहीं है तो उनको बनाने की बात है, ये उनके पीछे उद्देश्य भी है कि किस तरह से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, जिनको पता नहीं है कितनी स्कीमें उस स्कीमों का लाभ हो, और सरकार की साफ मंशा है एक भी मरीज को रुपया नहीं लगे, फ्री ऑपरेशन पूरा का पूरा सरकार करावे, इस सुनिश्चित लोगों को जानकारी दे और उसका इलाज करने के लिए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।